लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उत्तराखंड के पांचों लोकसभा सीटों को लेकर दावेदारों की फौज राजनीतिक पार्टियों के लिए सिरदर्द बनती नजर आ रही है। कभी एक जमाने में कांग्रेस की गढ़ कहे जाने वाली टिहरी लोकसभा सीट पर भी भाजपा और कांग्रेस पार्टी के लिए अब एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति है। भाजपा जहां एक बार फिर इस सीट को बचाने की कवायद में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस अपने पुराने खोए हुए किले को दोबारा पाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है। लिहाजा दोनों पार्टियों को इस सीट पर उम्मीदवार उतारना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। बात अगर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की करें, तो कांग्रेस से यहां दावेदारों की लंबी फेरहिस्त है। दावेदारों में चकराता से विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नव प्रभात, प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी और कांग्रेस के पूर्व विधायक जीत सिंह गुनसोला इस सीट को लेकर दावेदारी पेश कर चुके हैं। हालांकि दबी जुबान में इनमें से कुछ नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, मगर अंदर खाने इस रेस में आगे निकलने के लिए हर कोई तैयारी कर रहा है। वही बात अगर अब देश में मौजूदा समय की सबसे मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी करें, तो यहां भी दावेदारों की लंबी कतार लगी है। दावेदारी पेश करने वालों में सबसे पहले नाम मौजूदा सांसद राज लक्ष्मी शाह का है। इसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, ज्योति प्रसाद गरोला, सोना सजवान और नेहा जोशी का नाम भी शामिल है। यही वजह है कि पार्टी के लिए अब इस सीट पर एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। बहरहाल दोनों ही पार्टियां इस सीट पर प्रत्याशी उतारने के लिए मंथन कर रही हैं। अब ये वक्त ही बताएगा कि बीजेपी और कांग्रेस इस सीट को लेकर किस प्रत्याशी पर दाव खेलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।